श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन आप अपने हंसी के खुद मालिक बन जाओगे, तब आपको कोई भी रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वाले में रखा है, मांगने वालों में नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और कामयाब होगे तो सब जलेंगे। जिनके चेहरे पर तुम हंसी ना ला सको, उनकी आंखों में आंसू लाने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसीलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना, सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पछता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। ताकत अपने शब्दों में ढालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वो करो जो मन चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हो। जिंदगी में दो चीज़ों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और सूरत किसी हादसे में बदलते वक्त नहीं लगता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दाव पर लगा दो, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देता है। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो, उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, ये लाइन बोलकर ना जाने कितने लोग धोखा देकर जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है और हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को पकड़कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्ते को पकड़कर रखता है। जितना कम बोलोगे उतने ज़्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा कभी गूंगा कभी बहरा होना पड़ता है। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, यकीन करो सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना जानते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। झूठ धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो ये है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो बुरा वक्त ही नहीं आने देंगे। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में कभी मजबूरियों के रूप में,
भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है। जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसीलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत कम होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि तारीफें ही सुनते रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपना कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन धन के साथ किसी की दुआ कमाते हो तो घर में चीजें, खुशी और सेहत आती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा।